ये सभी परिवार अंतागढ़ के श्याम नगर में बसाए गए हैं। इनमें से कुछ लोग पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। अंतागढ़ SDOP अमर सिधार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में करीब 106 नक्सली पीड़ित परिवार निवास करते हैं। इनमें से 211 लोगों को बस पास दिया गया है। इस बस पास के माध्यम से ये लोग 50% किराया देकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि नक्सली डर से वे गांव को छोड़ चुके हैं। बस पास मिलने से पीड़ित परिवार के सदस्य अब अपने सहूलियत के अनुसार यात्रा कर सकेंगे। पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना है कि बस पास मिलने से हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। कांकेर तक जाने में 180 रुपये किराया लगता था, अब 90 रुपये लगेगा। पीड़ित परिवार के कुछ लोगों को पुलिस मुखबिर का आरोप भी नक्सलियों ने लगाया, जिस कारण ये लोग गांव छोड़कर अंतागढ़ के आमाबेड़ा में आ बसे। पीड़ित परिवार को कुछ जमीन भी मिला, साथ में अब बस पास भी दिया गया, जिससे इन लोगों का काफी पैसों की बचत होगी। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सर राजकुमार आचला, ग्राम कसदंड से, और अभी तो मैं अंतागढ़ में रह रहा हूँ। ऐसे भी अभी बस पास मिला है और नक्सल पीड़ित प्रमाण भी मिला है। अब मेरे को बहुत सुविधा हो जाए, कम से कम यहाँ से सफ़र करता हूँ कांकेर तो 180 रुपये करीब किराया लगता है, तो कम से कम उसमें 90 रुपये तक या 80 रुपये जैसे भी लगेगा, बहुत फायदा हो जाएगा। और भी आने वाले भविष्य में मेरे परिवार भी हैं यहाँ, सभी को सुविधा मिलना चाहिए। ऐसे कभी बस कंडक्टर या ड्राइवर वगैरह कुछ हो जाएगा, फिर उसका नंबर से हम लोग कुछ भी करके अपने SDOP साहब थाना पर कहीं शिकायत करेंगे। अपने नाम की पहचान बताएंगे। नाम सियाराम हुपेंडी है और मैं रहने वाला रखा हूँ पहले। उसके बाद मेरे को मारपीट किए नक्सली लोग हीरा गांव थाना खुलने के कारण। वहाँ बुला रहे थे साहब लोग, तो मेरे को ना वहाँ मुखबिर करता है करके मेरे को बोले, तो इसलिए मैं गया था गांव में। कुछ दिन के बाद मेरे को मारपीट किए, इसी कारण बस से मैं वहाँ से भग के आ गया। मैं आमाबेड़ा रहता हूँ, आमाबेड़ा से वहीं थोड़ा किराया में रह रहा हूँ। अभी फिलहाल अभी यहाँ ज़मीन भी मिला है मेरे को, बस पास भी मिला है अभी नक्सली पीड़ित के नाम से, वही है। मेरा नाम सावित्री दर्रो है, मैं अर्रा भैंसाबेड़ा से हूँ और आज मैं अंतागढ़ आई थी। बस पास मिला है शासन के द्वारा, जो इसमें 50% छूट होगा। और मेरे पापा को नक्सलियों लोग मार दिए थे, मतलब मुखबिर समझ के, पुलिस मुखबिर, तो उसके द्वारा से हम लोगों को ज़मीन भी मिला है। अभी घर तो नहीं बना है, ज़मीन मिला है, बस पास बना है और पूरे परिवार का बना है, हम लोग कभी भी उपयोग कर सकते हैं। सर आज के थोड़े से विस्तार से बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। अंतागढ़ अनुविभाग में SDM साहब के अध्यक्षता में एक नक्सल पीड़ित की समस्याओं को लेकर टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान कुल 106 परिवारों को जो है नक्सल पीड़ित का प्रमाण पत्र दिया गया था तथा दर्जा दिया गया था, जिसके तारतम्य में आज कुल 211 उनको बस पास दिया गया है, जिसमें उन्हें 50% की छूट है। पढ़ने वाले बच्चे और जो सफ़र करने वाला जो नक्सल पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलेगा।